बच्चों को राष्ट्रगान केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कराया जाता था, राष्ट्रीय गीत कभी नहीं कराया गया, जो कि मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा हमको अपनी जांच में जो पता चला वो यह था कि शुक्रवार के दिन बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी जाती है। हमको ये भी पता चला कि पूर्व प्राचार्य जब वहां काम कर रही थी उसने एक कक्ष नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित कर रखा था। हमको ये भी पता चला कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू दैट सीएम राइज स्कूल, वहां पे 3 स्कूल हमने कुल विजिट किए और हमको तीनों में मजारे देखने को मिली। स्कूल के अंदर इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करना, बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने की छुट्टी देना, ये सब एक गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करती है। जिला शिक्षा अधिकारी आज पूरे समय नदारद रहा, हमको सहयोग उसने जांच के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया। हमने सवेरे ही उनको सूचना की थी कि हम ये जांच करने के लिए आ रहे हैं, ना तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को उन्होंने भेजा, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी ने खुद वहां उपस्थित रहने की आवश्यकता समझी। पुरानी जो बनी थी ना तो उसी की रिपेयरिंग करके नई हो गई। ये मामला क्या हुआ था, फरवरी 22 में स्कूल की रिपेयरिंग के टाइम में उस वक्त जो प्राचार्य थी, प्रभारी प्राचार्य साइना फिरदौस, उसने इसको जो है बाजार नुमा शेप में एक चबूतरा बना दिया और उसको बाजार नुमा शेप दे दी। तो बाद में अगस्त में मेरे पास वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से एक व्हाट्सएप पे सूचना आई कि कोई कुरवाई में जांच करवाइए, बाजार बन गई है। तो अगस्त में मैंने उसकी प्राचार्य और बीओ से जांच करवाई और जांच करवा के ये पाया गया कि ये पहले नहीं थी स्ट्रक्चर, लेकिन ये फरवरी में उस वक्त की प्राचार्य शाइना फिरदौस ने इसको बना दिया। तो शाइना फिरदौस से भी पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, तो उसने ये बताया कि पहले जहाँ पर ऐसे चबूतरा था मैंने रिपेयरिंग करवा दी इसकी, जबकि रिपेयरिंग चबूतरे की तो और होती है, लेकिन उसने उसको मजार नुमा शेप दे दी, उसका मुंह वगैरह बना दिया। तो उससे ये हुआ कि इसी ने जो है इसको बनाया है। तो ऊपर वरिष्ठ कार्यालय ने फिर उसका वहाँ से ट्रांसफ़र करके पठारी कर दी।